हेलो दोस्तों, रेलवे लट 91 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो रेलवे लट 91। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर से क्या कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और उनके क्या सही जवाब होंगे और उनसे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। तो आज का पहला सवाल है, भूटान और किस देश के मध्यम व्यापार को सहज बनाने के उद्देश्य से भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी में आगमन के लिए एक जलमार्ग खोला है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। स्पष्टीकरण की बात करें तो दोनों देशों के मध्य इस जलमार्गीय व्यापार को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा पूरा किया जाएगा। यह प्रथम अवसर है जब किसी भारतीय जलमार्ग का उपयोग दो देशों के बीच माल परिवहन के लिए पारगमन के रूप में किया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी समीप से निकलती है। इससे पूर्व भूटान और बांग्लादेश के मध्य यह व्यापार ट्रकों के माध्यम से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्य कार्यक्रम किस मंत्रालय के अधीन शुरू हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्री के अंतर्गत किया गया है। स्पष्टीकरण की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लक्ष्य कार्यक्रम लेबरो रूम क्वालिटी इन्फॉर्मेंट इनिशिएटिव का उद्देश्य प्रसूति गृह और प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्ष देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस कार्यक्रम से मातृ एवं नवजात अवस्था तथा मृत्यु दर में कमी आएगी। प्रसूति के दौरान एवं उसके बाद देखभाल की गुणवत्ता में सुधार होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी गर्भवती महिलाओं को सम्मानपूर्ण मातृत्व देखभाल की सुविधा प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में किस खालिस्तान समर्थन संगठन को गैर कानूनी घोषित करते हुए उसे 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिख फॉर जस्टिस। स्पष्टीकरण की बात करें तो भारत सरकार ने देश के कई सिख संगठनों से विचार विमर्श के बाद न्यूयॉर्क से संचालित होने वाले खालिस्तान समर्थन संगठन सिख फॉर जस्टिस को गैर कानूनी घोषित करते हुए उसे 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के अनुसार यह संगठन खालिस्तान के नाम पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, जिससे खास तौर पर पंजाब के हालत बिगड़ रहे थे। अलगाववादी एजेंडे के चलते इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा इस संगठन के जरिए पंजाब में माहौल बिगड़ने की घटनाएं सामने आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला की कानरा शैली का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। स्पष्टीकरण की बात करें तो मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात मुगल शैली के कई चित्रकार हिमाचल प्रदेश के कानरा में बसे गए, जहां उन्हें राजा गोवर्धन सिंह के संरक्षण प्राप्त हुआ। इसके परिणाम स्वरूप चित्रकला की कानरा शैली का जन्म हुआ। इस शैली का सार्वजनिक विकास राजा संसार चंद्र संरक्षण में हुआ। चित्रकला की अन्य शैलियों के इतर कानरा की यह विशेषता है कि इसमें संवेदनशील और बुद्धिमत्ता की बहुलता पाई जाती है। हाल ही में किस विश्व बैंक की प्रबंधन निदेशक मैनेजमेंट डायरेक्टर और मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंशुला कांत। स्पष्टीकरण की बात करें तो अंशुला कांत फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट वित्तीय जोखिम प्रबंधन को जिम्मेदारी संभालेगी। अंशुला कांत को वित्त और बैंकिंग सेक्टर में 35 साल का लंबा अनुभव है। उन्होंने SBI को CFO के तौर पर बेहतर योगदान दिया है। यही नहीं, बैंकिंग सेवाओं में उन्हें तकनीकी के बेहतर इस्तेमाल के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली की पहली खेप तुर्की पहुंचने पर किसी देश द्वारा प्रतिबंध लगाने की आशंका जताई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। स्पष्टीकरण की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने तुर्की को चेतावनी दी है कि अगर वही रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदता है
तो उसे आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। यह मिसाइल प्रणाली रूस में साल 2007 से सेवा में है और यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में एक मानी जाती है। इस प्रणाली में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती है और इसके प्रत्येक चरण में 72 मिसाइलें शामिल है जो 36 लक्ष्यों पर सटीकता से मार करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने रोजर फेडरर को हराकर लगातार दूसरा विंबलडन खिताब जीत लिया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। स्पष्टीकरण की बात करें तो नोवाक जोकोविच का यह कुल 5वां विंबलडन और 16वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ नोवाक जोकोविच 4 बड़े खिताब जीतने वाले फेडरर, राफेल नडाल और रोड लावर के बाद चौथे शख्स बन गए हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया का एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी है। फेडरर 21वां ग्रैंड स्लैम और 9वां विंबलडन खिताब जीतने से चूक गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा देश आईसीसी विश्व कप 2023 के 13वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। आज का लास्ट सेम रिमेंट पूरा हो चुका है और मैंने कल पूछी थी पिछले वीडियो में आपसे एक सवाल, तो करीब करीब दोस्तों ने राइट आंसर दिया और यह पिछले वीडियो का एमसीक्यू। चलिए देखते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर कितने साल बाद विश्व कप फाइनल में पहुंच गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 27 साल। और अब आज का सवाल आपके लिए। हाल ही में किसे अफगानिस्तान के तीनों ही फोरमैन का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और देखते रहे रेलवे लट 91। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।